घुघुस के वन क्षेत्र वेकोली में विविध संगठन द्वारा पुकारा गया हड़ताल पूरी तरह से विफल रहा। आपसी मतभेद इस विफलता का कारण बताया जा रहा है। संयुक्त संघर्ष समिति वेकोली द्वारा 8 एवं 9 जनवरी को 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गया है। यह हड़ताल मजदूर संगठनों के राष्ट्रीय सम्मेलन के आह्वान पर पूरे देश में तमाम ट्रेड यूनियन तथा फेडरेशन भारत सरकार के मजदूर विरोधी एवं जनविरोधी नीति के विरोध में किया जा रहा है। हड़ताल के पहले ही दिन वेकोली वन क्षेत्र के खुली खदानों में हड़ताल नाम मात्र ही दिखाई दी, जिसका कारण है सभी संगठनों में चल रही आपसी मतभेद। हड़ताल में इंटक, आईटक, एचएमएस, सीटू के नाम मात्र पदाधिकारी एवं इक्का दुक्का कार्यकर्ता ही उपस्थित थे। यह हड़ताल वन क्षेत्र में विफल साबित हुई। मशहूर संगठन बीएमएस इस हड़ताल में शामिल नहीं होने से कई प्रकार के तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में सीटीवी न्यूज के संवाददाता प्रणय कुमार बंडी ने हड़ताल के दृश्य कैमरे में कैद किए। एचएमएस के क्षेत्रीय अध्यक्ष दीपक जायसवाल ने हड़ताल के संदर्भ में क्या जानकारी दी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ में ये हड़ताल 8 और 9 तारीख की रखी गई है। कोल उद्योग भी इससे अछूता नहीं है और यहाँ पे भी हड़ताल होने जा रही है और हम पुरजोर तरीके से भारत सरकार का श्रम विरोधी जो उनकी नीतियाँ है उसका विरोध करते हैं और इसीलिए हम हड़ताल में उतरे हैं।